भरपूर प्रयास कर रही है और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं बहनों बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे, वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोर कसर नहीं रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है, सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते हैं। और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। मैं हैरान हूं, और ये बोलने वाले कौन लोग हैं? क्या ये देश भूल गया है? ये 14 अगस्त विभाजन विभीषिका पीड़ादायक दिवस,